छतरपुर शहर में आज किशोर सागर तालाब के पास स्थित ऑडिटोरियम से छतरपुर के व्यस्त यातायात मार्ग पर ब्लाइंड फोल्ड ड्राइव के माध्यम से जादूगर आनंद ने मोटरसाइकिल चलाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने कहा कि जादूगर आनंद ने वाहन चालकों को एक संदेश देने का काम किया है कि ब्लाइंड लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित ड्राइविंग कर सकते हैं, तो क्या हम सभी आंखें होते हुए भी सुरक्षित ड्राइविंग नहीं कर सकते। हम आपको बता दें कि उक्त जादूगर आनंद को मैजिक शो शुक्रवार दिनांक 13 मई से शहर के ऑडिटोरियम हॉल छतरपुर में आयोजित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि उक्त जादूगर आनंद का मैजिक शो शुक्रवार दिनांक 13 मई से शहर के ऑडिटोरियम हॉल छतरपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज प्रस्तुति दी जाएगी। एक बाइक जागरूकता रैली निकाली है, इसके माध्यम से संदेश यही है कि ट्रैफिक के जो इतने भी नियम होते हैं हम उनका पालन करें, और जब जो लोग देखने में भी सक्षम ना हो और वो इतनी सजगता से इतनी अलर्टनेस के साथ अपने दोपहिया वाहन चलाते हैं कि किसी प्रकार की दुर्घटना को होने नहीं देते हैं, तो हमारे शहर के और ज़िले के जितने भी निवासी हैं, जब भी आप सड़क पर रहें अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सेफ रहें। इसमें जो संदेश ये देना चाहते हैं वो बहुत सिंपल सा है कि इस देश में जो गंभीर बीमारियां हैं, टर्मिनल इलनेस है, चाहे कैंसर है या कोई भी बीमारी है, या कि आप कोरोना संक्रमण भी ले लें, तो एक वर्ष से कोरोना संक्रमण से जितनी मृत्यु हुई और जितनी हमारे एक्सीडेंट्स की वजह से रोडों पर होती है वो बहुत ज़्यादा है उसके अनुपात में। तो यदि जो लोग देखने में सक्षम नहीं है वो इतनी दोपहिया वाहन चलाते हुए अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो यदि हर व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए प्रयास करे तो कहीं ना कहीं घटनाएं दुर्घटनाओं में हम कमी ला सकते हैं। सर, ये उल्लंघन नहीं है यातायात का? जी, हेलमेट उन्होंने पहना है, ट्रेंड है, प्रैक्टिस है, और उसके बाद ही एक साधना उन्होंने की है लगभग दशकों की, जिसके बाद ही वो ये लोग करने में सक्षम हो पाए। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट।